भारतीय धम्म, भारतीय धम्म अगर हम कहते हैं शब्द, तो ये भारतीयों के लिए तो गर्व की बात हो सकती है, मगर बेसिकली ये जगत धम्म है, विश्व धम्म है, वर्ल्ड की नेचुरल थीसिस या नेचुरल प्रोग्राम या नेचुरल सिस्टम या नेचुरल प्रोसेस है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जितने भी जीव और जितने भी जंतु इस जगत में, इस विश्व में, इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे ही इसी फिलॉसफी, इसी फिनोमिना, इसी सिस्टम, इसी साइंस और इसी विज्ञान पे आधारित हैं जो भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम ने खोजी थी, रीडिस्कवर की थी, क्योंकि नेचर में तो ये पहले से ही विद्यमान थी, नेचर में ये पहले से ही है, बेसिकली नेचर ही धम्म का रूप है। मगर भारतीय धम्म कहने का यहाँ जो तात्पर्य या जो मतलब है या जो अर्थ है वो इस संदर्भ में है क्योंकि इसकी पैदाइश भारत में हुई। भारत में दो पैदाइशें एक साथ साथ हुई, महावीर जैन 19 साल लगभग बड़े थे और भगवान बुद्ध एज में उनसे लगभग 19-20 साल छोटे थे, दोनों ही समकालीन थे। दोनों में ही जो फिलॉसफी दी है उसमें गॉड नहीं है, यानी कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, सारा का सारा मनुष्य को अपने मन को निर्मल करना, अपने पाप कर्मों को छोड़ना, अपने दुष्कर्मों को छोड़ना और अच्छे काम जो करने होते हैं उनके लिए सारा का सारा विज्ञान और सारी की सारी साइंस है, इसी पे आधारित है। भारतीय धम्म कहने का जो मतलब यहाँ आता है वो इसलिए है कि पूरे भारत में, क्योंकि सम्राट अशोक के समय, जो सम्राट अशोक थे उस समय तक भारत का जो क्षेत्रफल था यानी जो शासन था वो ईरान तक था, इधर बर्मा तक था और इसकी गूंज श्रीलंका और आसपास की कंट्रियों में भी पहुंची रही थी, ऊपर चीन तक भी जा रही थी। भारतीय धम्म इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में जन्मा है और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, तो भारतीय धम्म होने के हिसाब से जितने भी इस धम्म को मानने वाले लोग हैं, इस पद्धति को मानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे ही मनोवैज्ञानिक रूप से भारत के नागरिक हो गए, क्योंकि वो भारत की पद्धति को अपने तन मन धन और अपने देश में बसाए हुए हैं और पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है। बुद्ध के समय तक कहीं भी, क्योंकि बुद्ध लगभग 2600 साल पहले थे और ईसा मसीह का जो कल्चर आई या ईसा मसीह का जो सिस्टम आया, जो ईसा मसीह ने प्यार करुणा का डेवलप किया, वो लगभग 600 साल बाद किया। बताते हैं कि जो लेह के अंदर एक बुद्ध विहार है, एक मोनेस्टी है, उस मोनेस्टी में ईसा मसीह ने वहाँ जाकर नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल पद्धति जो बुद्ध ने डेवलप की, वहाँ किसी भिक्कू से, किसी मंक से सीखी। ये आपको नेट पर मिल जाएगा, ये सारी दुनिया में बात को पता है, क्योंकि कुछ समय ईसा मसीह का अज्ञात भी रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसने किससे सीखी, क्योंकि नेचर ने ये पहले से ही विद्यमान है और इसको लगातार लोग सीखते रहे और बताते रहे और जानते रहे। ईसा मसीह के आने के बाद ईसाइत या ईसा का जिक्र आना शुरू हुआ। उसके बाद लगभग 600 साल बाद मोहम्मद साहब का बर्थ होता है और वो भी जो पद्धति है प्यार की, करुणा की, भाईचारे की लेके आते हैं, वो लगभग उनके ईसा मसीह के 600 साल बाद होती है, यानी बुद्ध के लगभग 1000 साल बाद, 1200 साल बाद। कहने का मतलब है कि भारत और भारत के आसपास में जो पुरानी पद्धति रही है, जो सिस्टमेटिक पद्धति रही है, वो बुद्ध से आरंभ हुई है और बुद्ध की पद्धति को और बुद्ध के नेचर को, क्योंकि इसमें गॉड नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, और इसमें मनुष्य के कल्याण के लिए सारी बात कही गई है। इसमें एक सिंगल शब्द भी चमत्कार का नहीं है, एक सिंगल शब्द भी इसमें कोई आडंबर या पाखंड का नहीं है, इसमें कोई ऐसा चमत्कारिक शक्तियों का जिक्र नहीं है। इसमें मनुष्य को मेहनत करनी है, अपने पाप कर्मों को छोड़ना है, सुख कर्म करेगा तो सारा सुख उसको और उसके परिवार को और उसके देश को मिलेगा। आज की स्थिति के अनुसार भारत बहुत ही बड़ा वृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि भारत के नागरिक बहुत ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी बुद्ध की फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, वो मन से भारतीय हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत बहुत विशाल देश है, भारत की पद्धति अजर और अमर और सनातन है। ऐस धम्मो सनातनो, ये धम्म पद में कहा गया है। ऐस धम्मो सनातनो का मतलब है कि यह धम्म सनातन है, सनातन है। संतनन का मतलब होता है सह माने निज और अनंत माने इन्फिनिट यानी अनंत तक, यानी मुझ से लेकर अनंत तक ये प्राकृतिक फैली हुई है, ये जो नेचर है फैली हुई है और इसके रूल ऐसे ही काम करते हैं, नैसर्गिक हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब मिलेगा,
और तुरंत मिलेगा। कोई देर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कहीं बही खाते में जाके आपको चेक आपका कैश होना है तब आएगा। कोई इसको नहीं रोक रोक सकता, ये नेचुरल नियम है, नेचुरल रॉ है, प्राकृतिक नियम है। आप इसको आजमाएंगे, देखेंगे, जानेंगे, जो बुद्ध की पद्धति है आज भी विद्यमान है, विपस्सना के थ्रू विपस्सना जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना साइंटिफिक नियम बता के दिया सिद्धार्थ गौतम ने, सिद्धार्थ गौतम ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान ने, भगवान ने। इसको जरूर आजमाइए। धन्यवाद।